नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। व्यापार और निवेश में तालमेल बढ़ाने के लिए नीति आयोग और रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच शुरू होगी रणनीतिक आर्थिक वार्ता। मोदी पुतिन के बीच पहली अनौपचारिक शिखर वार्ता में फैसला। हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे के साथ परामर्श और समन्वय को भी तेज करने का फैसला। जेडीएस से गठबंधन पर कांग्रेस ने मानी पार्टी के भीतर नाराजगी की बात। कहा एसडी कुमारस्वामी ने जल्द ही सभी मतभेदों को खत्म करने का दिलाया भरोसा। उपमुख्यमंत्री के नाम पर आज हो सकता है फैसला। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ताजा कार्रवाई। नीरव मोदी के 171 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त। बैंक ऑफ बड़ौदा कर्ज धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने रोटोमैक और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ दायर की चार्जशीट। अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए भारत समेत दूसरे देशों से मांगा सहयोग। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। और आईपीएल क्रिकेट का पहला प्लेऑफ मुकाबला आज। मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से। 27 मई को होने वाले फाइनल में विजेता टीम को मिलेगी जगह। भारत और रूस आर्थिक सहयोग के लिए एक विशेष तंत्र तैयार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच सोमवार को सोची शहर में हुई पहली अनौपचारिक शिखर वार्ता में व्यापार और निवेश में तालमेल बढ़ाने के लिए नीति आयोग और रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच रणनीतिक आर्थिक वार्ता शुरू करने का फैसला लिया गया। साथ ही दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे के साथ परामर्श और समन्वय को भी तेज करने पर रजामंद हुए हैं। इस बीच रूस की एक दिन की कामयाब यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश पहुंच गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हुए तो दोस्ती को खास महत्व देते हुए राष्ट्रपति पुतिन प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को विदा करने खुद हवाई अड्डे पहुंचे। ये पल भी बेहद खास रहा। यहाँ दोनों नेताओं के बीच रिश्तों की गर्माहट साफ नजर आई। इससे पहले रूस के सोची शहर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच सोमवार को पहली अनौपचारिक शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भारत और रूस के बीच विशेष सामरिक साझेदारी पर सहमति जताई। साथ ही बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के निर्माण के महत्व पर भी सहमत हुए। उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र सहित एक दूसरे के साथ परामर्श और समन्वय को भी तेज करने का फैसला किया। दोनों देश संघाई सहयोग संगठन ब्रिक्स, G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी मिलकर काम करना जारी रखेंगे। Prime Minister has of course invited President Putin to visit India in the second half of the year for the annual summit and he looks forward to receiving President Putin in India. दोनों नेताओं ने आतंकवाद पर चिंता जताई और आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबला करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खतरे से मुक्त माहौल में शांति और स्थिरता बहाल करने के महत्व का समर्थन किया और इसके लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय विकास योजनाओं और प्राथमिकताओं पर भी चर्चा हुई। दोनों नेता व्यापार और निवेश में तालमेल बढ़ाने के लिए नीति आयोग और रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच रणनीतिक आर्थिक बातचीत शुरू करने पर भी रजामंद हुए हैं। दोनों नेताओं ने सैन्य सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में लंबी साझेदारी के महत्व को भी दोहराया और इन क्षेत्रों में लगातार सहयोग का स्वागत किया है। लंबे अरसे से भारत और रशिया एक अटूट मित्र रहे हैं। लगातार हमारे बायलेटरल मीटिंग होती रहती है, लेकिन मैं राष्ट्रपति पुतिन का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने एक इनफॉर्मल समिट के रूप में, इनफॉर्मल मीटिंग के रूप में मुझे निमंत्रित किया और इसलिए
इतने लंबे कालखंड में एक नया आयाम हमारे संबंधों में जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से शुरू हुए रणनीतिक संबंधों की स्थापना के बाद दोनों देश कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों आज गर्व से कह सकते हैं कि अटल जी ने और आपने जो बीज बोया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, वो आज एक विशाल वटवृक्ष में, यानी एक प्रकार से स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रूपांतरित हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रूस के राष्ट्रपति ने अनौपचारिक शिखर वार्ता का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस साल अक्टूबर में दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता होनी है। इससे पहले दोनों नेता चीन में SCO और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन ने ब्लैक सी में क्रूज यात्रा का भी आनंद लिया। अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोची में बोचारेव क्रीक से ओलंपिक पार्क के बीच नौका विहार किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करके बताया कि काला सागर में नौका विहार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाव पर सफर के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से सोची शहर में मोया रशिया इथनो सेंटर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने रूसी कारीगरों की ओर से तैयार किए गए विभिन्न प्राचीन कलाकृतियों को देखा और स्थानीय कलाकारों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान उनके साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। स्वदेश रवानगी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष बच्चों के लिए बने एक इंक्यूबेटर का दौरा किया। सिरिस एजुकेशनल सेंटर में छात्रों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्होंने एक अलग ही व्लादिमीर पुतिन को देखा, जो राष्ट्रपति से अलग हैं और जो इस सेंटर के छात्रों को के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपने मित्र पुतिन के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने रूस के चमकीले सितारों से मिलने का मौका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां मौजूद 700 से भी ज्यादा रूसी छात्रों को भारत आने और भारतीय छात्रों के साथ संवाद करने का न्योता भी दिया। बाद में छात्रों ने मोदी और पुतिन दोनों के ऑटोग्राफ भी लिए। आप में से हिंदुस्तान जाने का मन करता है ऐसे कितने हैं? भारत आने का कार्यक्रम अगर बनाएंगे, और मैं चाहूंगा कि साल में एक बार यहाँ से एक ऑर्गेनाइज टूर भारत आए, और जब भी भारत आए मैं खुद आपके साथ घंटे दो घंटे बिताऊंगा, आपसे कुछ जानूंगा समझूंगा और भारत के बच्चों के साथ आपको मिलवाऊंगा। अगर आज मेरा यहाँ आना नहीं हुआ होता तो मैं मेरे मित्र को सिर्फ एक राष्ट्रपति के रूप में देखता, लेकिन आज भीतर से एक ऐसे इंसान मुझे मिले आप लोगों के कारण, मैं आपको बधाई देता हूँ। और आइए प्रधानमंत्री के रूस दौरे से जुड़े क्या हासिलात रहे और इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बीज बोए आज वो वृट वृक्ष बन चुका है बड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक भागीदारी अब विशिष्ट सामरिक भागीदारी तक पहुंच गई है। आप अगर हमें समझाएं कि क्या कुछ बड़ा हासिल हुआ है इस दौरे से। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया के सभी देशों पे अपनी प्रभाव और अनावश्यक रूप से उन्हें दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है, वैसी स्थिति में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया तो इसका मतलब साफ था कि वो इस पूरे मामले पे, पूरे दुनिया के मामले पे एक कंसल्टेशन करना चाहते हैं। और जो कंसल्टेशन का मामला है उसमें एक यह भी बात थी कि क्या अमेरिका के इस बदलते रूप से भारत और रूस के संबंध भी प्रभावित होगी, यह एक उनकी बड़ी चिंता होगी। और इसी कारण जो दोनों प्रधानमंत्रियों दोनों अपनी अपनी सरकारों के प्रमुखों ने जब बात की और उसके बाद जो बताया गया हमें, उससे साफ साफ लगता है कि भारत और रूस के संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जिससे संबंध थे, अच्छे संबंध थे, उसे और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि विश्वास इन दोनों देशों के संबंधों के बीच की बहुत बड़ी घोड़ी है। जैसा कि आपने देखा कि इंडो पैसिफिक मामले पे भी बात थी कि भारत और रूस इस मामले पे एक दूसरे के साथ बात करेंगे, परामर्श करेंगे और कोऑर्डिनेट भी करेंगे। तो इंडो पैसिफिक का एक ऐसा मामला है जो हॉटस्पॉट
बना हुआ है पूरी दुनिया में, जहाँ चीन अपने अनावश्यक हस्तक्षेप करके। जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी बातें आपने हमें समझाई हैं इस दौरे को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आइए खबरों में फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बात कर्नाटक की, जहां एचडी कुमार स्वामी की अगुवाई में कल जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बुधवार शाम 4:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और टीआरएस समेत कई विपक्षी पार्टियों के शामिल होने की संभावना है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर अब तक दोनों पार्टियों के बीच कोई अंतिम फैसला अब तक नहीं लिया गया है। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस और जेडीएस में बातचीत का दौर जारी है। जेडीएस के नेता एचडी कुमार स्वामी ने कल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कर्नाटक में सरकार के स्वरूप पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद जेडीएस नेता कुमार स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी ने सरकार की संरचना और हिस्सेदारी पर बात करने के लिए कर्नाटक के प्रभारी सचिव केसी वेणुगोपाल को अधिकृत किया है। आज बेंगलुरु में कांग्रेस और जेडीएस के बीच इस मामले पर बातचीत हो सकती है। इसके बाद ये पता चल सकेगा कि सरकार में किस पार्टी से कितनी हिस्सेदारी होगी। कुमार स्वामी ने 23 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निमंत्रण भी दिया। राहुल जी क्लियर व्हाट आर ऑल द मॉडलिटीज टू बी डन, ही हैज गिवन परमिशन टू कर्नाटका इंचार्ज सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी टू डिस्कस ऑल दोस मैटर्स एंड फाइनलाइज एवरीथिंग टुमारो। अवर लोकल कांग्रेस लीडर्स एंड वेणुगोपाल जी विल सिट एंड वी फाइनलाइज एवरीथिंग। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह ने कहा है कि कर्नाटक में कोई उपमुख्यमंत्री होगा, किसे मंत्री पद मिलेगा इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। वहीं जेडीएस से गठबंधन पर कांग्रेस ने पार्टी के भीतर नाराजगी की बात मानी है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी परमेश्वर ने कहा कि वो कांग्रेस और जेडीएस के बीच हुए गठबंधन से नाखुश, कई लोगों की भावनाओं को समझते हैं और आने वाला दौर कठिन होगा। कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन स्पीकर होगा, कौन मंत्री होगा, इसका निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है। वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और साथियों से मंत्रणा करेंगे, समेत श्री केसी वेणुगोपाल जो प्रभारी महासचिव हैं, चर्चा करके वो बहुत जल्द निर्णय कर देंगे। हमारे लिए ये केवल मंत्री, उप मुख्यमंत्री या स्पीकर बनाने की लड़ाई नहीं, हमारे लिए ये कर्नाटक के विकास और प्रगति को और ज्यादा गति जो 5 साल में कांग्रेस ने दी उसे आगे लेकर जाने की है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के बहुमत साबित नहीं कर पाने और मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद पहली बार पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया और अगर पार्टी सरकार बनाने का दावा नहीं करती तो जनादेश का अपमान होता। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के वोट प्रतिशत और सीटों दोनों में ही इजाफा हुआ है और पार्टी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार को जीत बता रही है। पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं है तो क्या फिर से चुनाव कराया जाए? पूर्ण बहुमत न होने की स्थिति में सबसे पहला अधिकार किसी एक दल का अगर सरकार बनाने का बनता है तो सबसे बड़े दल में के रूप में जो उभरे हैं वो पार्टी का बनता है जो कि भारतीय जनता पार्टी का है। और अगर हम सरकार बनाने का दावा न करते तो कर्नाटक की जनता के मैंडेट के खिलाफ का काम होता, कर्नाटक की जनता के मैंडेट के अनुरूप काम नहीं होता। कांग्रेस को बताना चाहिए इस देश की जनता को कि वो किस बात का जश्न मना रहे हैं। उनकी सीटें पहले थी 122, उसमें से 78 सीटें हो गई, इस बात का जश्न मना रहे हैं। उनके आधे से ज्यादा मिनिस्टर हार गए उसका जश्न बना रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री हार गए उसका जश्न बना रहे हैं। चुनाव के पहले उनके पास 3 मुख्यमंत्री थे, अब 2 हो गए इसका जश्न बनाते हैं या पीपीपी हो जाने का जश्न बना रहे हैं? सिर्फ पंजाब, पांडिचेरी और परिवार में कांग्रेस बचकर रह गए इसका जश्न बना रहे हैं।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि बीजेपी राजनीति में दोहरा रवैया अपनाती है। आनंद शर्मा ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के लिए जनादेश दिया है। कौन से जनादेश का जिक्र उन्होंने किया? अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ जनादेश था, कांग्रेस की सीट कम आई, हम सत्ता से अलग हट गए, पर जनादेश गठबंधन के लिए था। मतदाता तय करता है। कांग्रेस और जेडीएस पहले भी एक साथ रह चुके हैं। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक नया फोर्स ब्लैक पैंथर उतारने की तैयारी में है। इसमें ज्यादातर बस्तर के ही नौजवान शामिल होंगे। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलियों का आधार कम होता जा रहा है और नक्सली समस्या का दायरा लगातार घट रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कल सीआरपीएफ की पहली नक्सल रोधी बस्तरिया बटालियन की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सलवाद और उग्रवाद चुनौती है, लेकिन यह खतरा लगातार कम होता जा रहा है। माओवादी उग्रवाद में भारी गिरावट आई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की पहले जो किलिंग होती थी उनमें 53 से लेकर 55% की गिरावट आई है, और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो 40 से लेकर 45% की उसमें कमी आई है। और यदि यह जो कमी आई है उसका श्रेय भी यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने सीआरपीएफ के जवानों को देना चाहता हूं, और अपने राज्यों के पुलिस के जवानों और अधिकारियों को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से आज भी सीज फायर का उल्लंघन जारी है। रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी है। इस गोलीबारी में एक नागरिक के जख्मी होने की खबर है। गोलीबारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स और सैनिक पिछले एक हफ्ते से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहे हैं। रविवार को पाकिस्तान ने बीएसएफ से सीमा पर फायरिंग बंद करने की गुहार लगाई थी, लेकिन रविवार रात करीब 10:30 बजे फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। होली मंथ ऑफ रमजान when the teaching of Quran makes it mandatory that you don't have to, any believer is not expected to think evil of anyone or cause harm to anyone, and indulging in violence is the worst kind of unholy act that can be indulged in the holy month of Ramzan. But having said that, let me also add over here that as far as India is concerned, a befitting retaliatory action is being carried out, it will be carried out. The security forces have been given the freedom to act on the basis of their own discretion and their own professional. इस बीच भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान की ओर से शांति बहाली को लेकर आए किसी भी बयान को गंभीरता से लिया जाएगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिल्ली में यह बात कही। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में संकेत दिया था कि दोनों देशों के बीच किसी भी विवाद का बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है। रमजान के महीने में जम्मू कश्मीर में सैन्य अभियान नहीं चलाने के मसले पर सवाल पूछे जाने पर रक्षा मंत्री ने कहा कि गृहमंत्री की ओर से घोषित इस नीति का सम्मान करना चाहिए। Well, I think the Honorable Home Minister was heard announcing the policy, and we shall fully honor the policy which the Home Minister, on behalf of Government of India, has announced. And the policy, even as it was stated, has very clearly laid out how this is going to pan out, and we shall abide by everything that has been announced. Any comment on wanting peace will definitely be taken seriously. Any comment. नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कस दिया है। नीरव मोदी के खिलाफ ताजा कार्रवाई करते हुए ईडी ने 171 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां जब्त की हैं। जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई और सूरत में 4 वाणिज्यिक परिसर जिसका बाजार मूल्य 72.87 करोड़ रुपए है, 106 बैंक खाते, 15 डीमैट खाते, 11 कारें हैं जिनकी कीमत 4 करोड़ से ज्यादा है। पिछले हफ्ते भी एजेंसी ने नीरव के मामा मेहुल चोकसी के गीतांजलि ग्रुप के 85 करोड़ रुपए के 34,000 आभूषण जब्त किए थे।
वहीं बैंक धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में सीबीआई ने रोटोमैक कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। 456 करोड़ की धोखाधड़ी के इस मामले में कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी के खिलाफ सीबीआई स्पेशल जज की लखनऊ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में सीबीआई ने रोटोमैक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम कोठारी और बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन एजीएम, ब्रांच हेड, सीनियर मैनेजर समेत कई अधिकारियों को आरोपी बनाया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल केरल के गुरुवायूर में अष्टपद्मी अट्टम नृत्य कला के पुनरुद्धार समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत ने हमारी शानदार कलात्मक विरासत को संभाला और बढ़ाया है, लेकिन इस बीच कुछ शास्त्रीय कलाएं उपेक्षा की भी शिकार हुई हैं और धीरे धीरे खोने की कगार पर पहुंच गई हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी कलाओं को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। What is remarkable about the Indian cultural heritage is its richly interwoven texture. Philosophy, spirituality, fine arts and literature are a part of the same quest. The quest for a deeper meaning of life, quest for just in a rutted mundane existence and quest for achieving greater creative heights of imaginative expression and artistic creations. Jayadeva's Gita Govindam classic encompasses a unique mix of classical literature, classical music and classical dance. अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने इसके लिए भारत समेत विश्व के दूसरे देशों से सहयोग मांगा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अगर ईरान ने अपनी विदेश और घरेलू नीति में कोई बदलाव नहीं किया तो उस पर इतिहास के अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो ईरान के आक्रामक रवैये को रोकने के लिए पेंटागन और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। ईरान और कई महाशक्तियों के बीच हुए समझौते से अमेरिका कुछ हफ्ते पहले अलग हो चुका है। अमेरिका ने ईरान से नई डील के लिए 12 शर्तें रखी। इन शर्तों में सीरिया से फौज को वापस बुलाना और यमन में विद्रोहियों का समर्थन न करना शामिल है। इधर ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने पोम्पियो के बयान की आलोचना की है। America's commitment to the Iran strategy President Trump laid down in October remains. It will now be executed outside of the JCPOA. We'll continue to work with allies to counter the regime's destabilizing activities in the region, block their financing of terror, and address Iran's proliferation of missiles and other advanced weapon systems that threaten peace and stability. वहीं खेलों में आईपीएल के लीग मैचों के खत्म होने के साथ ही आईपीएल 2018 के प्लेऑफ का बिगुल बज गया है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। पहला क्वालिफायर मैच मुंबई में खेला जाएगा। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी और हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए एक मौका और मिलेगा। बुधवार को कोलकाता में एलिमिनेटर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला पहले क्वालिफायर में हारने वाली टीम से शुक्रवार को कोलकाता में ही होगा। 27 मई को आईपीएल का फाइनल मुंबई में खेला जाएगा। बात खास शख्सियत की करेंगे और अब बात खास शख्सियत की। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय की आज 246वीं जयंती है। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। वो ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का नाम सबसे अग्रणी है। राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों को दूर करके उसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 4 साल पहले जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तब शायद इतना अंदाजा नहीं था कि लोगों की साफ सफाई की आदतें बदल पाएंगी, लेकिन धीरे ही सही आज गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक स्वच्छता एक जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है। आइए देखते हैं बीते करीब 4 साल में साफ सफाई को लेकर हमारे देश में क्या बदलाव आए हैं। आप देखिए खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कलावती और बबली दिल्ली के मुंडका गांव की रहने वाली दो दोस्त, सारा काम साथ करना, उन्हें इसमें मजा भी आता है। लेकिन कुछ सालों पहले तक उन्हें शाम का इंतजार करना पड़ता था,
जिससे वो घर से बाहर खुले में शौच जा सकें। यहां उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सुरक्षा के नाते मजबूरी थी। ये स्थिति तब बदली जब 2014 में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। पहले बाहर जाते थे, अब तो हम लोग अंदर बना रखे हैं। अब उसमें है कि अपने जब टाइम मिलता है तभी चले जाते हैं। अब अंदर से मतलब है, अब बाहर जाने की कोई ज़रूरत ना है। अब शाम को इंतजार नहीं करना पड़ता है, अब घर को बनवा दिए, अब घर करते हैं। जहाँ वो खुलने में सोच जाती थी बीमारियों का घर बना रहता था, लेकिन अब उन सब बीमारियों से अब निजात पा ली है। और मुझे लगता है कि ये मोदी जी ने जो अभियान चलाया स्वच्छ भारत अभियान, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत कामयाब हुआ है। शौचालय जैसी परियोजनाओं को लोगों ने हाथों हाथ लिया है। कई जगहों पर तो शौच के प्रति सोच पूरी तरह बदल गई है। मोदी जी के स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय बनवाए गए हैं सबके, उससे उनको बहुत राहत मिलती है। और जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों जिनको दूर जाना पड़ता था, किसी कोई पैर से परेशान होता था, कोई किससे परेशान होता, उससे उनको बड़ा फायदा हो गया। अब स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय में बिजली पानी भी लगी है, लोगों के घरों के अंदर शौचालय भी बने हैं। इससे 95% लोगों के घरों में शौचालयों की व्यवस्था हो गई है। यूनिसेफ के स्वच्छता विभाग के प्रमुख निकोलस ऑस्बर्ट इसे भारत में आई नई क्रांति मानते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बीमारी में कमी तो आई है, साथ ही साथ ग्रामीण मानसिकता में भी बदलाव हुआ है। A real revolution is taking place. So first of all, if you look at the political leadership and the accountability of the overall Indian administration as well as all the social movement created with stars from sports or from the movie that are supporting the movement. And if you look at what's going on at grassroots level, everybody is talking about it, everybody is debating about it, it's in every Indian's mind. So this on its own, thanks to the political leadership, is a revolution. Doctors bhi mante hain ki khule mein shauch bimariyon ka ghar hota hai. इससे डायरिया, टाइफाइड, दिमाग में सिस्ट और टेप वर्म जैसी ना जाने कितनी बीमारियां हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा कमी जो आई है वो मच्छर जनित बीमारियां हैं और वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, जो वायरल डिजीज़ हैं, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, डायरिया है, डिसेंट्री है, ये सारी चीज़ों में काफ़ी कमी आई है। और पिछले चार साल में जो चेंज आया है उसी की बदौलत एक जन आंदोलन जो पैदा हुआ, उसकी वजह से ये सारी चीजें हम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 में करीब 55 करोड़ लोग खुले में शौच के लिए जाते थे। करीब चार साल बाद आज करीब 20 करोड़ लोग ही खुले में शौच जाते हैं। बचे हुए लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार अब 20,000 स्वेच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। ये स्वेच्छाग्रही देश में घूमकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। ओवरऑल प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हुई है, जिससे कि कवरेज जो 39% था जब हम लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, इस समय 80% से ऊपर है। तो ओवरऑल ODF की प्रगति पूरे देश भर में काफ़ी अच्छी है। करीब 20,000 जो हमारे टॉप स्वच्छाग्रही हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करें और इससे गांधी जी का जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन है सत्याग्रह का, हम उनको वहीं पे ले चले। भारत की आबादी का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो शौचालय की सुविधा के बावजूद बाहर ही शौच करने का आदी है। इसकी वजह है सदियों पुराने संस्कार जिनको ये बदलना नहीं चाहते, लेकिन सरकार के स्वच्छ भारत अभियान ने इस सोच के लोगों को अपनी मानसिकता बदलने पर मजबूर किया है। में शौच की जगह शौचालय का इस्तेमाल, वैसे तो बात बहुत मामूली सी है, लेकिन जिस तरह सरकार ने इसे जन अभियान बनाने का फैसला किया है, बदलाव उसी से आया है। क्योंकि अनुभव ये बताता है कि जब जब कोई कार्यक्रम जन अभियान का हिस्सा बने हैं तो सफलता ने ज़रूर कदम चूमा है। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा TV।